गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राम प्रसाद बिस्मिल। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो है 11th ऑफ जून को 126th बर्थ एनिवर्सरी थी जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हैं उनकी, तो उसको जो है कमेमोरेट जो है 11 जून को वो किया गया। ये जो थे ये अपने रेवोल्यूशनरी स्पिरिट और जो अपनी पोइटिक प्रोवेस जो है उसके लिए जो है ये जाने जाते थे और इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले किया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो अब देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में। तो इनका बर्थ जो है वो 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के एक गाँव में जो कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके फादर का नाम जो है वो मुरलीधर था और जो इनकी मदर जो है उनका नाम था मूलमती। जो रामप्रसाद बिस्मिल जो थे उन्होंने आर्य समाज जो है उसको ज्वाइन कर लिया 1875 में और उसके बाद जो है एक टैलेंटेड राइटर और पोइट के रूप में ये जो है ये उभरे। ये बिस्मिल जो है पेन नेम अपना ये बिस्मिल नाम से ये जो है लिखते थे, जिसका मतलब होता है वाउंडेड या फिर रेस्टलेस। जो इनके दिमाग में जो आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन है वो सबसे पहले इनके दिमाग में आए जब डेथ सेंटेंस दे दिया गया भाई परमानंद को, जो कि एक इंडियन नेशनलिस्ट थे और आर्य समाज के मिशनरी थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में जो है एक पोएम लिखी जिसका नाम था मेरा जन्म। ही बिलीव्ड इन रेवोल्यूशनरी मेथड्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल विच वर इन कॉन्ट्रास्ट टू गांधियन मेथड्स। तो रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं ये रेवोल्यूशनरी मेथड्स जो हैं उनमें ज़्यादा यकीन करते थे और जो गांधियन मेथड्स जो हैं जो कि आपको पता है कि रेवोल्यूशनरी मेथड्स जो हैं हमेशा गांधियन मेथड्स के थोड़ा सा अगेंस्ट जो हैं वो रहे हैं। अब रामप्रसाद बिस्मिल जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है द मेन पुरी कॉन्स्पिरेसी। बिस्मिल ग्रू डिसइल्यूजन विद द मॉडरेट विंग ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड फाउंडेड अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड मैत्रीवेदी। तो इन्होंने जो है एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फाउंड किया जिसका नाम था मैत्रीवेदी और 1918 में बिस्मिल और दीक्षित जो थे ये मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें इन्वॉल्व हो गए। इसमें ये क्या करते थे कि ऐसी लिटरेचर जिनको अंग्रेज जो है वो प्रोहिबिट कर देते थे ताकि वो जनरली ऐसी लिटरेचर हुआ करती थी जो इंडियंस जो हैं उनको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो है वो करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो किया करती थी। तो ऐसी लिटरेचर को जो है अंग्रेज वो प्रोहिबिट कर दिया करते थे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये क्या करते थे, ये ऐसी ही लिटरेचर जो है वो लोगों में बांटा करते थे रामप्रसाद बिस्मिल और दीक्षित जो है मेनपुरी कॉन्स्पिरेसी के अंदर। 28 जनवरी 1918 को क्या होता है कि बिस्मिल जो है वो उन्होंने अपनी दो राइटिंग्स जो हैं अपनी पैम्फलेट्स में लिख के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उन राइटिंग्स उन पैम्फलेट्स का नाम क्या क्या था, देशवासियों के नाम संदेश और दूसरा था मणि मेनपुरी की प्रतिज्ञा। उसके अलावा ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट के जो ऑफर्स हुआ करते थे उनको उनकी लूटिंग जो है वो किया करते थे। तो ये लूटिंग की तीन ओकेजन जो है 1918 में जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसको भी फाउंड करते हैं ये सचिंद्रानाथ सन्यल जो है उनके साथ मिलके और जादू गोपाल मुखर्जी जो है इनके साथ मिलके, और यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बाद में जाके जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो बन जाएगी जिसकी जिसको फाउंड करेंगे भगत सिंह। HRA का जो मैनिफेस्टो जो है उसमें जनरली देखते हैं उसमें क्या होता था, इट इज लार्जली पेंड बाय बिस्मिल। तो इसका मैनिफेस्टो जो है वो बिस्मिल के द्वारा ही लिखा गया। ये क्या चाहते थे कि एक रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है, फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टेब्लिश जो है ये करना चाहते थे थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन। तो ये आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टेब्लिश करना चाहते थे। उसके अलावा ये ककोरी ट्रेन जो रॉबरी जो थी उसमें भी ये जो है ये इन्वॉल्व थे। तो 1925 में जो है ये एक मेजर एक्शन था HRA का, वो भी इन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि इनको जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड्स वगैरह जो है वो इकट्ठे करने थे। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकउल्लाह के साथ मिलके जो है ये ककोरी ट्रेन जो है उसको लूटते हैं। ये ककोरी जो है एक स्टेशन पड़ता है लखनऊ के पास, तो वहां पे उस ट्रेन को जो है वो लूट लिया जाता है। वो इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन ऑलमोस्ट एक मंथ के बाद जो है जो जितने भी लोग जो है इसमें शामिल थे उन सबको गिरफ्तार जो है वो कर लिया जाता है। तो इनका जो लीगल प्रोसेस जो रहता है वो 18 महीने चलता है और उसमें जो है बाद में जाके बिस्मिल
लहरी खान और ठाकुर रोशन सिंह जो है उनको डेथ सेंटेंस जो है वो दे दिया जाता है। अब इनकी राइटिंग और पोएट्री जो है वो देख लेते हैं। तो ये जनरली हिंदी और जो उर्दू जो है उसमें लिखा करते थे, और इंडियंस जो है उनको इंस्पायर किया करते थे कि वो फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसमें जो उनका जो है वो साथ दें। हिज पोएम्स रिफ्लेक्ट कंसर्न ऑफ सोसाइटल इश्यूज, जो सोसाइटी में इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं, बेसिकली वो इश्यूज जो हैं वो इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको लेके हुआ करते थे। तो उनकी पोएम जो है वो उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिफ्लेक्ट किया करती थी। और ये जो है ये इनका ये मानना था कि अगर हमें जो है अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए तो हिंदू और मुस्लिम जो है उनको एक साथ मिलके जो है वो काम करना होगा। तो इन ये जो है इनके का जो का जो अशफाकुल्ला खान जो थे उनके साथ इनके काफ़ी जो है दोस्ती जो है उनकी काफ़ी गहरी थी, जो कि सिंबलाइज करती है कम्युनल हारमोनी को। अब इनकी डेथ जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 19 दिसंबर 1927 को जो है इनको जो है गोरखपुर की जेल में जो है इनको फांसी की सज़ा जो है वो दे दी जाती है, और बाद में जो है ये जो है इनको क्रिमेट कर दिया जाता है रिवर राप्ती के पास, जो कि बाद में जो है राजघाट जो है उस साइड को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो रामप्रसाद बिस्मिल जो है उनके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।